नमस्कार, टुडेज हेडलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। हमारी खास पेशकश में आज हम उन तमाम खबरों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने आज के ज्यादातर अखबारों में सुर्खियां बटोरी है। चर्चा के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, शिव अनुराग पटेरिया जी और रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले तो आप दोनों का डीएनएन में बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत पटेरिया जी आपसे ही करूंगी कि आज कौन सी प्रमुख 10 खबरें हैं जिन्होंने ज्यादातर अखबारों में सुर्खियां बटोरी हुई है। कृतिका, आज देखा जाए तो पहले से लेकर 10 सितंबर तक की सभी खबरें कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जुड़ी हैं, लेकिन ये कहना ठीक नहीं होगा। उन सबको एक ही खबर के तौर पर मैं डील करना चाहूंगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है इंजेक्टिंग होप, यानी आशा का इंजेक्शन लगाया गया और ये बहुत बड़ी बात है, लोगों को लगता है। पत्रकार ने लिखा है टीका महाअभियान शुरू, मोदी बोले अब दवाई भी कड़ाई भी। पत्रकार दूसरी खबर का प्रदेश में 150 के बात कर दें कोरोना वैक्सीनेशन की खबर को महत्व देते हुए, मुरैना के शराब कांड को लेकर एक बड़ी खबर दी है। उसमें लगा जैसी शराब से 3 लोगों की रोशनी गई, इनमें शराब बेचने वाला भी शरीक है। और एक और खबर उन्होंने लिखा है अलग बिंद की मांग पर भाजपा विधायक त्रिपाठी तलब, बीडीएन पूछा बिना अनुमति क्यों उठाई मांग। इस खबर को नवभारत ने भी काफी महत्वपूर्ण तरीके से अपने पेज एक पर प्रस्तुत किया है। उनका बिंद प्रदेश की मांग उठने लगी है। दूसरा, किसान आंदोलन से जुड़े एक शख्स हैं, उनके खालिस्तान और विदेश से फंडिंग को लेकर एनआईए ने उनसे और 20 लोगों से बातचीत की। इसमें पत्रकार हैं और जो सज्जन से पूछताछ की जा रही है, किसान नेता हैं बलदेव सिंह सिरसा। ग्वालियर में महिला लेखाधिकारी की गला दबाकर हत्या कर दी गई, बहुत ही खतरनाक मामला है। एक रोज पहले ही एक बड़ी खबर आई थी जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज उसको लिया है। उसने कहा 13 वर्षीय बच्ची के साथ में 9 लोगों ने बलात्कार किया। इस खबर का फॉलो भास्कर में भी है और उसमें कहा गया वो घबरा जाती है बच्ची को मिलाकर सारी चीजों को लेकर, फिर मैं कोरोना पे लौटूंगा। भास्कर ने पूरे मध्य प्रदेश के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का एक कहा जाए निगाह रखी, निगरानी रखी और उसमें जगह जगह गड़बड़ियों की बात कही है। उसने कहा कि जिस तरह से लोगों ने बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं थे, लोग तरह तरह के टीका न लगवाने के बहाने बना रहे थे। जैसे लिखा कि भिंड घबराहट में आधार कार्ड घर छोड़ आया कर्मचारी, लेकिन तब भी डॉक्टर्स ने उसको इंजेक्शन लगा दिया। उसने कहा कि ठीक है तुम्हारा कार्ड नहीं, जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से ठीक नहीं था। फिर एक लिखा रोते हुए कहा परिजन तैयार नहीं लौट गई। इंदौर में एक कार्यकर्ता जो अपोलो हॉस्पिटल में किरण पीटर आयु कहकर इनकार कर दिया कि वो नहीं लगवाएंगी वैक्सीनेशन क्योंकि परिवार के लोग तैयार नहीं है। गुना में मशीन ने बताया गलत, बीपी नहीं लग पाया टीका और कुल मिलाकर विदिशा में 400 में से 247 लोग पहुंचे। लेकिन सबसे अच्छी खबर आर्मी हॉस्पिटल 3ME सेंटर से आई है जहां 100% वैक्सीनेशन हुआ है। लगभग इसी के आसपास एम्स हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन हुआ है, ये बहुत बढ़िया बात है। लोग आगे आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि लोगों को इस तरह से आना चाहिए। उषा ठाकुर के मामले में वन मंत्री विजय शाह ने इंदौर में बयान दिया, उसमें कहा कि कुछ उत्साही लाल कर्मचारी जल्दी में कार्रवाई कर देते हैं। मुझे लगता है किसी मंत्री को बचाने के लिए इस तरह की का बचाव करना ठीक नहीं। इंदौर का एक बड़ा पुलिस अधिकारी कहता है जहां सीता सोना होगा वहां सीता नाचेंगी। ठग सीते के सिक्के, माता सीता के सिक्के को ये कह के नचाते थे कि यहाँ सोना है। मुझे लगता है पुलिस अधिकारियों को अपनी वाणी पर चीजों पर विराम देना चाहिए। और इंदौर में एक बाघ की खाल जब्त हुई है, यानी वन्य प्राणियों का शिकार लगातार हो रहा है, उनके अवशेषों को चमड़ों को बेचा जा रहा है और बाघों की स्थिति बढ़ रही है, इसलिए बहुत से बाघों को अब रिलोकेट करने की तैयारी चल रही है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश बाघ राज्य है और उनका एक समान वितरण अगर आप नहीं करेंगे तो सारी चीजें मुझे लगता है गड़बड़ा जाएंगी। और बाघों के हिंसक होने का दूसरा बड़ा कारण भी है, टेरिटरी की लड़ाई तो है ही है, उनके क्षेत्रों में हमने घुसपैठ कर दी है। जैसे कि अभी मेंडोरा केरवा कुला के इलाके में वन विभाग सर्वे कर रहा है जिसमें जंगल पे तमाम तरह के संस्थान बनाए हैं, लोगों ने दुकानें स्कूल कॉलेज जाने क्या क्या खोल लिया है और उनके कारण से वन भ्रमण क्षेत्र, बाघ का जो वन भ्रमण क्षेत्र वो प्रभावित हो रहा है। तो कुल मिलाकर आज खबरें वैरायटी में हैं, बहुत अलग अलग तरीके से है, लेकिन सबसे बड़ी बात है हर अखबार में पहले से लेकर आखिरी पन्ने तक कोरोना
के वैक्सीनेशन को लेकर जुड़ी खबरें हैं। ज्यादातर खबरों में प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के संदर्भ में मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। एक तस्वीर मुझे बहुत अच्छी लगती है जो मैंने देखी है, सविता फ्रंटलाइन वर्कर रिकॉर्डेड हर मूवमेंट इन एचसी गेट जैब एंड इंक्लूजन सेंटर। वो एक महिला है, अपने वैक्सीनेशन को रिकॉर्ड करते हुए फोटो दिखाई दे रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो बहुत अच्छी बात है। लोग उत्साहित भी हैं, लेकिन तमाम ऐसे लोग भी हैं जो अफवाहों से परेशान होकर वैक्सीनेशन दूर हो रहे हैं। मुझे लगता है इन सबको ये बात समझना चाहिए, एक राष्ट्रीय आपदा है, इसे सबको सामने आना चाहिए। जब एम्स के डायरेक्टर से लेके भोपाल के हमीदिया कॉलेज के सुपरिटेंडेंट तक लोग अगर अपने आप को वैक्सीनेशन करा रहे हैं, हम सबको आगे आना चाहिए जब जिसकी बारी आए, लेकिन अफवाहें कम से कम नहीं फैलाना चाहिए। जी रमेश शर्मा जी, आपका रुख करूंगे। जैसा कि पटेरिया जी ने बताया कि सबसे ज्यादातर अखबारों में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर प्रकाशित किया गया है, तमाम अखबारों में देखें तो कोरोना वैक्सीनेशन को फ्रंट पेज पर जगह मिली है, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये खबर फ्रंट पेज के लायक ही थी। उसका कारण है कि कोरोना का कल जो अभियान शुरू हुआ है, ये विश्व का सबसे बड़ा अभियान है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये दो वैक्सीन बनी है, दोनों स्वदेश में की वैक्सीन बनी है। आमतौर पर दवाइयां या उनके फार्मूले या हम कहीं बाहर से आयात करते थे, लेकिन इनका अनुसंधान किया है। और फिर इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से कोरोना महामारी वैश्विक हो रही है, उस आधार पर इसको वैक्सीन को चलाना तो था ही, और फिर कुछ लोग इस पर विवाद और इसको भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसी स्थिति में वैक्सीन का अभियान चला तो इसको तो फ्रंट पेज पर मिलना ही था, और इतने विस्तार से ही जगह मिलना थी, सारे अखबारों ने लगभग वैसा ही किया है। शिवानुराग सर, मैं आपका रुख करूंगी कि देखा जाए तो व्हाट्सएप की जो पॉलिसी आने वाली थी, जिसे 3 महीने के लिए टाल दिया गया, लगातार व्हाट्सएप की ओर से सफाइयां पेश की जा रही थी और तमाम अखबारों में इसमें भले कहीं साइड कॉलम में जगह मिली है या कहीं फ्रंट में हरी भूमि में देखा जाए तो इसे फ्रंट में ही प्रकाशित किया गया है अच्छे तरीके से, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं इस पॉलिसी को लेकर? आप क्या जी, मुझे लगता है कि व्यक्ति के जो पर्सनल लाइफ है, व्यक्ति की होगी पर्सनल लाइफ, जो हमारी पर्सनल लाइफ है उसमें इंटरफेयर करने का हक किसी को नहीं है, लेकिन जो आईटी कंपनीज हैं, ऐप्स हैं या इस तरह के सोशल मीडिया या दूसरे सर्विसेज हैं, व्यक्ति की ताक झांक करते हैं और उसके बाद फिशिंग या पिशिंग चालू हो जाती है। लोग हमारी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर हमें धोखाधड़ी करने की कोशिश करते हैं, हमारी खरीदारी के हैबिट को अगर आपने देखा हो फेसबुक या व्हाट्सएप पे, अगर किसी प्रोडक्ट को आप एक बार देखते हैं तो बाद में उसी प्रोडक्ट के विज्ञापन लगातार आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि वो संबंधित कंपनीज को हमारा डाटा बेच देते हैं या शेयर कर देते हैं, उसके बाद हमें टारगेट किया जाता है। दरअसल आज की आईटी की दुनिया में सतर्क और सावधान रहने की बहुत जरूरत है, अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो बहुत दिक्कतें पैदा होंगी। सबसे बड़ी बात है हमारी निजता में, हमारी यानी आप सबकी निजता में झांकने का हक किसी को भी नहीं है, व्हाट्सएप को भी नहीं है। आपका रुख देखा जाए तो पत्रिका में फ्रंट पेज पर एक और देश भर के लिए या कहें प्रदेश के लिए बहुत अच्छी एक खबर छपी हुई है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचाएगी रेल, प्रधानमंत्री मोदी आज इसका उद्घाटन करेंगे, आप इसे किस तरह से देखते हैं? मध्य प्रदेश के लिए भी ये कहीं ना कहीं एक सौगात है। केवड़िया तक को बड़े शहरों से जोड़ने के लिए ट्रेन चलाई जा रही है, उसमें कई विस्टा ट्रेन है, विस्टा डॉम ट्रेन है, यानी उनका जो छत है वो ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी जैसे कई कारों में हुआ करता है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री गुजरात के हैं तो गुजरात को वेल कनेक्टेड करने के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को केवड़िया के साथ साथ खजुराहो को, भीम बैठका को, सांची को भी जोड़ने का काम करना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश से कोई प्रधानमंत्री तो नहीं है लेकिन मध्य प्रदेश के 3 कहा जाए विश्व धरोहर स्थल हैं, इस पर भी अगर लोग ध्यान दें तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि जहां का राजा होता है वहां का जलसा होता है, ये पुरानी कहावत है, लेकिन जलसा दूसरी जगह भी हो जाए तो बेहतर रहेगा। रमेश शर्मा जी, देखा जाए तो तमाम अखबारों में किसान आंदोलन को अब ज्यादातर प्रकाशित नहीं किया जा रहा है, किसान आंदोलन में आज को लेकर आज भी बातचीत होनी है, लेकिन देखा जाए तो हरी भूमि में फ्रंट पेज पर एक कॉलम में छपा हुआ है कि किसानों ने कमेटी के सदस्यों को बदलने की मांग की है, इसे किस तरीके से देखते हैं? हाँ, निश्चित रूप से आज 2 खबरें आंदोलन को लेकर के है। एक तो किसान आज अपनी भावी रणनीति के ऊपर आज बैठक करने वाले हैं कि भविष्य में वो क्या करें,
दूसरी ये खबर उन्होंने कहा कि कमेटी के सदस्यों को बदलिए, ये छपी हुई है। तो मोटे तौर पर क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि आरंभ में जिस तरीके से किसान आंदोलन पर मीडिया में जगह मिली थी और एक रणनीति के तहत उन्होंने जगह अपनी हासिल कर ली थी, लेकिन धीरे धीरे किसान नेताओं की और ये आंदोलनकारियों की जो जिद थी उससे वो अपने आप में एक एक्सपोज जैसे हो रहे हैं और खबरें उनकी बहुत पीछे चली जा रही हैं। खास तौर से उन्होंने जो घोषणा की है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, इन सब चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं वो चीज पीछे हुई है। और फिर कोरोना का इतना बड़ा मामला, जी जी जी, किसान आंदोलन को तो पीछे जाना ही था। जी जी पटेरिया जी, आपका रुख करूंगी कि देखा जाए तो आज ऐसी कौन सी खबरें हैं जो अखबारों में तो नहीं छपी हैं, लेकिन देखा जाए तो सोशल मीडिया पर या सोशल साइट्स पर उन्होंने अपनी प्रमुखता पाई हुई है और जो दिन भर सुर्खियों में रहने वाली हैं। नौ लोगों ने गैंगरेप किया है, इसको लगातार सोशल मीडिया पर ट्रैक किया जा रहा है। लोग सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि ये मध्य प्रदेश में महिला अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। दूसरा, किसानों को लेकर सोशल मीडिया पर एक उत्सुकता है, व्यग्रता है कि आखिर किसान आंदोलन को लेकर हल कहां और कब निकलेगा। तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि लोग वैक्सीनेशन को लेकर खुशी भी मना रहे हैं और कई जगह लोग अफसोस कर रहे हैं कि उनको उनका नंबर कब आएगा, अफसोस यानी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वैक्सीनेशन, महिला अपराध और किसान आंदोलन तीन ऐसी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार छाई हुई हैं। और इन खबरों के अलावा बाकी सारी खबरें हैं जो आज अखबारों में भी हैं, सोशल मीडिया पर बिल्कुल। रमेश शर्मा जी, आखिरी रिएक्शन आपसे कि देखा जाए तो आज बीजेपी के नवनियुक्त पदाधिकारियों की आज बैठक होना है, उन्हीं का स्वागत होना है और उनका ये बैठक बीजेपी में सीएम शिवराज और बीडी शर्मा भी शामिल होंगे, क्या कुछ आपका कहना है इस पर? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि ये भाजपा की एक नई टीम आई है और एक ऐसी टीम आई है इसमें कई पुराने चेहरे बदले गए हैं और पुराने चेहरों में से एक या दो नाम ही है और फिर उनको आज उनको बुलाया है, शपथ ग्रहण होगा, माल्यार्पण होगा मुखर्जी साहब की प्रतिमा पर और उसके साथ भोजन भी वहां पर होगा। तो मैं मोटे तौर पर नए समय की जो नई चुनौतियां हैं उसको लेकर के वहां पर व्याख्यान होंगे और खासतौर से मध्य प्रदेश के जो प्रभारी है वो उसमें रहेंगे, मुख्यमंत्री भी रहेंगे और प्रदेश के अध्यक्ष भी रहेंगे। स्वाभाविक रूप से ये आज ये एक अच्छी बात होने वाली है और सब लोग अपने अपने निकलेंगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण है प्रतीका जी, एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कल से धन संग्रह शुरू हुआ था, सोशल मीडिया पर ये खबर बहुत ज्यादा है, फेसबुक पर भी, व्हाट्सएप पर भी और अन्य पर भी, ये जो अयोध्या में राम मंदिर के लिए धन संग्रह हुआ था उसमें 6000 टीमें लगी हुई है पूरे मध्य प्रदेश में। तो मोटे तौर पर आज वो सारी की सारी टीमें सक्रिय रहेंगे, ये खबर इसमें सबसे ज्यादा अच्छी छपी। आज सिंधिया जी, क्योंकि कल सारे के सारे जो लोग शराब कांड हुआ था मुरैना में, कल वो पीड़ितों से मिले थे और फिर उन्होंने इस घटना को जो दुर्भाग्यपूर्ण बताया था, आज लेकर के वो कुछ लोगों से बैठक करने वाले हैं। जी रमेश शर्मा जी, यानी देखा जाए तो यही तमाम खबरें हैं जो आज सुर्खियों में बनी रहने वाली है। हमने जाना कि आज कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में बनी हुई है। देखा जाए तो आज कई मुद्दे हैं जो तमाम अखबारों में छपे हुए हैं, जिसमें कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर तमाम अखबारों में इसे प्रमुखता से कवर किया गया है। टुडेज हेडलाइन में फिलहाल रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। टुडेज हेडलाइन में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब हम उन तमाम खबरों के ओर रुख करेंगे जहां मालवा निमाड़ और ग्वालियर चंबल में जिन खबरों ने सुर्खियां बटोरी हुई है, जिनके लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। हमारे साथ टीएन मनीष जी ग्वालियर चंबल से और भानु चौबे जी हमारे साथ मालवा निमाड़ से जुड़ गए हैं। आप दोनों का डीएनएन में स्वागत है। जी भानु चौबे जी, सबसे पहला मेरा आपका रुख करूंगी कि देखा जाए तो मालवा इंदौर ग्वालियर चंबल में किस तरह की खबरें, वहां से मालवा निमाड़ में किस तरह की खबरें सामने निकल कर आ रही है? बात तो सभी अखबारों की है कि वैक्सीनेशन की कल शुरुआत हो चुकी है, उसकी स्टोरीज बड़ी स्टोरीज काफी छपी हैं और सबसे अच्छा संकेत यह है कि इसमें किसी साइड इफेक्ट की अभी तक कोई खबर नहीं है। इंदौर में दो नदियां जो नाले में तब्दील हो गई थी उनको नगर निगम पुनर्जीवित कर रहा है और 6 नालों को साफ पानी का बना रहा है, एक बड़ा काम चल रहा है। ये व्हाट्सएप नीति बदली है, ये सभी अखबारों में खबर होगी। और इंदौर में लड़कियों को छेड़खानी से बचाने के लिए पिंक आर्मी बनेगी,
ये है कुछ सामाजिक संस्था और प्रशासन मिलकर कोशिश कर रहा है इसकी जी। लिटरेचर फेस्टिवल होने वाला है 22-23 तारीख को, ये हर साल होता है, अच्छा आयोजन है, बड़ा आयोजन है। बात की खाल जब तो ये इसकी कीमत 125 करोड़ रुपए के करीब बताई गई है बाजार में, और 25 साल पुरानी खाल है, बेचने जा रहे थे और पकड़े गए वो जी। इसके अलावा एक एनडी ड्रग का बड़ा दिन से इंदौर में जब्ती और पेडलर पकड़े जा रहे हैं, उसमें 2 किलो 180 ग्राम एनडी ड्रग और मिली है और 4 पेडलर पकड़े गए हैं। अब की गिरफ्तारी हुई है बुरहानपुर से खंडवा के पास, ये नगर है छोटा जी। 30 क्विंटल खड़ा धनिया जब्त हुआ है जिसको रंग चढ़ा के चमकीला बनाया गया था। मिलावट के खिलाफ भी इंदौर रीजन में बड़ा अभियान अभी भी चल रहा है। यूरिया और माल्ट पाउडर से दूध बनाने की भिंड की खबर हाईलाइट हमारे यहाँ हुई है। और इसके अलावा कृतिका जी, मेरे ख्याल से ये खास खबरें किसानों का फॉलोअप है, 19 तारीख को बातचीत है, उसकी तैयारी व्यारी की खबरें हैं, यही खास खबरें हैं आज। जी जी जी, टीएन मनीष जी, आपका रुख करूंगी ग्वालियर चंबल में, कौन सी वो खबरें हैं जो सुर्खियां बटोरी हुई है? देखिए, जिस तरह से देश की रगों में जीवन उत्सव वाली जो बात आई है, कोरोना ड्यूटी में जान पे पहले दाव जान पर जो है आई थी लोगों की, और उसके बाद अब टीका लगवाने के लिए जो है सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर्स आए हैं, तो पहले हनुमान जी की आराधना और कन्या पूजन के साथ इसका शुभारंभ किया गया। एक सफाईकर्मी रघुवीर की बेटी का पूजन करके कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने उनका नमन किया। इस तरह की खबरें हैं, कुछ लोगों ने 133 लोगों ने टीका लगवाया, जबकि जेएच और जिला अस्पताल दोनों में 200 लोगों का वो था, तो कुछ ने बीमारी का बहाना ही बनाया, कुछ के मोबाइल बंद भी मिले हैं। इसके अलावा एक बड़ा जो फॉलोअप आया है जहरीली शराब से, जो अस्पताल में भर्ती 3 लोगों की आंखों की रोशनी चले जाने की खबर है, जो कि अपने आप में बड़ी सुर्खी है। इसमें ढुलमुल आबकारी नीति को दोषी ठहराया गया है, अवैध शराब की बिक्री पर कलेक्टर एसपी और आबकारी अफसर को जिम्मेदारी अब जो है वो दे दी गई है। अपर मुख्य गृह सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने इसके निर्देश जारी किए हैं। आबकारी पुलिस राजस्व अमला संयुक्त रूप से छापामारी करेगा, सीएम हेल्पलाइन में भी अवैध शराब संबंधी शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। जहरीली शराब में मिथाइल अल्कोहल मिला है, ऐसे में जिले में ये पदार्थ नेचर स्पिरिट ओवर प्रूफ अल्कोहल के निर्माण वाली संस्थाओं को सूचीबद्ध करने की बात है, इनकी आवाजाही पर भी कड़ी निगाह रखने की खबर जो है वो अखबारों में है। इसके साथ ही नकली प्लाज्मा मामले का बड़ा फॉलोअप आया है, ब्लड बैंक के संचालक को व्हाट्सएप पर मंत्रालय का पत्र दिखाकर पहले एक ठग ने डराया था, और ठगी का आरोपी ब्लड बैंक संचालक का दोस्त था, दूसरा खुद को वो इटावा का डॉक्टर बताता था, 39 लाख रुपए बचाने के नाम पर ठगने की खबर है। इसके अलावा सिंधिया के दौरे की खबरें हैं, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उन्होंने कल जो है स्मार्ट सिटी के कामों की समीक्षा की थी, आज सुबह अभी वो जा चुके हैं महाराजवाड़े पे पहुंच करके, और सीधे तौर पर स्मार्ट सिटी से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनका अवलोकन निरीक्षण स्थल परीक्षण करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर अफसरों को ताकीद किया है कि पिछले दिनों जो मीडिया में खबरें सुर्खियां बनी थी स्मार्ट सिटी को लेकर के, उस सारे मामले में क्या एक्शन लिया गया, किस तरह से इसको व्यवस्थित करना है, उसके दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही बाजारों को व्यवस्थित करने के मामले में व्यापारियों को पुलिस और निगम का साथ नहीं मिलने की खबर भी है। एंटी माफिया अभियान के तहत विक्रमपुर में 20 करोड़ की 10 बीघा जमीन से अतिक्रमण यानी कब्जा हटाए जाने की खबर है। मुरार के पास ये ग्राम विक्रमपुर है जिसमें सरकारी जमीन से 3D मशीन के जरिए बड़े लेवल पर ये कार्रवाई की गई है। ट्रेनें शुरू होने के 7 माह बाद भी प्लेटफॉर्म नंबर 4 को चालू नहीं किए जाने से लोगों में खासी दिक्कत है। लोग अब ये भी डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि यात्रियों को छोड़ने जाने के लिए अंदर पहुंचने का मौका उन्हें दिया जाए। और एक सनसनीखेज घटना है जिसमें सहायक भू अभिलेख आयुक्त एक महिला है, उसकी हत्या कर दी गई है, सूर्या बैस की। यानी टीएन मनीष जी, यही सारी खबरें हैं जो ग्वालियर चंबल में बनी हुई है। भानु चौबे जी, आपसे आखिरी सवाल मेरा, इंदौर में बर्ड फ्लू को लेकर क्या कुछ स्थिति है? देखिए, बर्ड फ्लू प्रदेश के 27-28 जिलों में पहुंचा है। इंदौर की तरफ झाबुआ में कड़कनाथ के इन्फेक्ट होने के बाद अभी कोई बड़ी खबर ब्रेक नहीं हुई है, लेकिन सावधानी बरती जा रही है और बर्ड फ्लू मौजूद है, ये बात भी पक्की है। देखिए क्या ब्रेक आता है आगे इसमें। जी जी,
जी, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो वहीं देखा कि ग्वालियर, चंबल और मालवा, निवाड़ में इन्हीं सारी खबरों ने सुर्खियां बटोरी हुई है। प्रमुखता से देखा जाए तो ग्वालियर में सिंधिया का दौरा है, इन्हीं खबरों ने सुर्खियां बटोरी हुई है। तो फिलहाल टुडेज हेडलाइन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।